तीसरे दर में क्या विशेषता है ये बात तब तक मालूम नहीं कर सकती जब तक उससे पहले की वस्तुओं को ठीक ठीक समझा न जाए। तो इन्होंने तांबा क्यों नहीं लिया, इन्होंने चांदी क्यों नहीं ली, इन्होंने सोने क्यों लिया, तो बोले भाई तांबा में ये दोष होता है, चांदी में ये दोष होता है, ये दोनों आग में जल जाते हैं लेकिन सोना आग में जलता नहीं, उसका वजन जो है खत्म रहता है, चांदी ही आग में जल जाती है। तो इसलिए नचिकेता के डर में लौकिक परिपुष्टि जो है वो पहली चीज है, मैंने पिता का जो संतोष है अंतकरण की शुद्धि की दृष्टि से देखो तो एक लौकिक संपन्न पुरुष में, साधन संपन्न पुरुष में जो गुण होना चाहिए वो सब नचिकेता में है। न्याय है, सत्य है, विपरीषिता है, पिता की भक्ति है, आज्ञाकारिता है, दृढ़ता है, भोग विषय का त्याग है, निर्भयता है। इतने गुण यदि किसी मनुष्य के जीवन में होंगे तो उसका जीवन कितना उन्नत होगा। बताया उपनिषद में युवा आशिष्ठ दृढ़ यदि मनुष्य उत्साही हो, आशावान हो और दृढ़ हो और विद्वान हो और दूसरों को शिक्षण भी देता हो तो इससे बढ़ करके उसके जीवन में और क्या सुख हो सकता है। ये तो पूरे में ध्यान पड़ गई समझो। जो लोग समझते हैं कि हमारे मोटर होगी तो हम सुखी होंगे, हमारे महल होगा तो हम सुखी होंगे, हमारे पास बैंक में इतना होगा तो हम सुखी होंगे, ये तो एक बुद्धि का भ्रम है। अगर जीवन में आशा हो और विघ्नों का सामना करने के लिए दृढ़ता हो, अपना काम पूरा करने के लिए उत्साह हो और बुद्धि में कोई अंधकार न हो और दूसरों को उससे लाभ मिलता हो तो इससे बढ़ के मनुष्य जीवन की और क्या श्रेष्ठता हो सकती है। घर में रखी हुई चीजें कोई श्रेष्ठता की सूचक नहीं है, वो तो प्रतिपक्ष जथा पूर्व गए, प्रतिपक्ष सत्ता करे, कितने लोग छोड़ के मर गए और कितने लोग और ऐसे ही छोड़ के मर जाएंगे। किसी रजवाड़ों के घर में जब जाते हैं ना, उनके गांव में शहर में, और देखते हैं उनके महल पर महल, तो ये हमारे परदादा का बनवाया हुआ है, दादा का बनवाया हुआ है, हमने बनवाया है, सब छूट गया महाराज। कबूतर बीट करते हैं, दिया नहीं जलता है, झाड़ू नहीं लगता है, बोला जिसका उन्हें अभिमान है
है ना, उसकी ये दशा हो रही है। तो ऐसी छोटी मोटी चीजों पर अभिमान करना ये तो कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। तो अग्नि अब लौकिक जीवन में जो विशेषता होनी चाहिए वो तो नचिकेता को प्राप्त है, उसको मृत्यु का भय नहीं है, मृत्यु को देख रहा है, मृत्यु स्वयं प्रसन्न होकर के उसको वरदान दे रहा है। तो नचिकेता ने ये प्रश्न किया कि मैंने सुना है कि स्वर्ग लोक में रोग आदि का भय नहीं है, वहां एकाएक मृत्यु भी नहीं होती, वहां बुढ़ापे का भय भी नहीं होता, वहां भूख प्यास भी नहीं सताती, वहां मन में शोक मोह भी नहीं होता, वहां बड़े आनंद आते हैं, बड़े बड़े आनंद प्राप्त होते हैं। तो ऐसे आनंद की प्राप्ति अग्नि के द्वारा ऐसे आनंद की प्राप्ति होती है। तो तुम उस अग्नि के बारे में जानते हो और वो हमको बताओ। स्वमग्निम स्वर्गीय मध्येशि मृत्यो प्रब्रीहिताम श्रद्धधानाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते एतद्वितीयेन वृणे वरेण। नचिकेता ने कहा कि हे मृत्युदेव, ऐसा जो अग्नि है, ऐसा जो स्वर्ग है, उस स्वर्ग की प्राप्ति के साधन अग्नि देवता को तुम भली भांति जानते हो। स्वर्गम अग्निम अध्येशी जानाते, अध्येशी का अर्थ है जानने वाला, स्मरण करने वाला, पढ़ने वाला, अध्ययन करने वाला, उसके तुम अध्येता हो। अध्येता हो माने विद्वान हो। अब ये ऐसा स्वर्ग अग्नि से कैसे मिलता है? बात ये है कि अधिकांश लोग पुराणों की कथा सुनते हैं, तो पुराणों के स्वर्ग और पुराणों की अग्नि विद्या ये उनकी बुद्धि में बैठ जाती है। और वेदों में जो स्वर्ग का वर्णन है और वेदों में जो अग्नि विद्या है उसका रूप कुछ दूसरा है, और दर्शन शास्त्र में जो ज्ञान अग्नि है उसकी महिमा तो दूसरी है। देखो, लोक में जिसके घर में अग्नि न होए वो अपने मन का भोजन केवल होटल में आर्डर देके नहीं प्राप्त कर सकता। ये भोजन की भी एक विद्या है, बोला। जैसे संगीत के नाना प्रकार के राग, रागनी, स्वर, आलाप, ग्राम, मूर्छना आदि भेद होते हैं, आ करके कान में डालते हैं ना, और भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार से संगीत की ध्वनि निकालते हैं। अपने देश में दक्षिण की पद्धति, उत्तर की पद्धति अलग अलग होते हैं। तो देखो, कान को सुनने के लिए नए नए राग रागिनी के भोग निकालते हैं, ऐसे नाक से सूंघने के लिए नई नई सुगंध निकालते हैं। सभी देशों में इत्रों की और फूलों की, सेंटों की पद्धति किसी न किसी रूप में विद्यमान है। ये चमेली का है, ये गुलाब का है, ये कच का है, अनेक अनेक प्रकार से करते हैं ना। ये मिट्टी का, एक मिट्टी का भी इत्र होता है। ये नासिका के भोग के लिए तरह तरह की पद्धति है ना।
आंख के लिए रंग बिरंगा चित्र विचित्र है ना, कभी साधारण और कभी विशेष दृश्य लोग देखना चाहते हैं। इसी प्रकार जीभ के लिए जो विशेष विशेष प्रकार के दृश्य हैं उन्हीं को भोजन बोलते हैं, बोला जिह्वा द्वारा जो विशेष विशेष प्रकार का आस्वादन है, ये इंद्रियां तो हैं पांच ही और आस्वादन बना लेते हैं 5,000, कान के, आंख के, त्वचा के, नासिका के, जिह्वा के आस्वादन बना लेते हैं, परंतु इन आस्वादनों में अग्नि देवता का हाथ, भौतिक अग्नि का हाथ है कि नहीं है? यदि बिजली न हो, यदि सूर्य की रोशनी न हो, है ना, यदि वायु की गति न हो, यदि गर्मी न हो, तो इतने प्रकार के भोग लोक में किसी भी प्रकार तैयार नहीं हो सकते। तो भौतिक वस्तुओं में भौतिक अग्नि का उपयोग होता है, वो पेट में जठराग्नि और धरती के भीतर खान की अग्नि जिसमें से जलता हुआ सोना निकलता है, खान की अग्नि और लकड़ी आदि से जला करके पार्थिव अग्नि, और आकाश में जो बिजली होती है उससे पार्थिव अग्नि, तो ये सोना भी आग है, सूर्य भी आग है ना, पेट में भी आग है, बाहर भी आग है, ये सारा लौकिक व्यवहार जो है वो अग्नि के द्वारा संपन्न होता है। अच्छा, तो अब ये हुई स्थूल अग्नि की बात। अब आप सूक्ष्म शरीर के लिए जो अग्नि है, सूक्ष्म शरीर का निर्माण करने वाली जो अग्नि है उस पर ध्यान दें, और कारण शरीर का विध्वंस करने वाली जो अग्नि है उस पर ध्यान दें। माने अविद्या को विध्वंस करने के लिए ज्ञानाग्नि है, माने चैतन्य के संबंध में जो अविद्या है, जो प्रतिबंध है चैतन्यानुभूति में, उस प्रतिबंध की निवृत्ति, जैसे चावल में जो कच्चापन है उसको हम अग्नि के द्वारा पका करके दूर करते हैं, वैसे हमारी बुद्धि में, हमारे ज्ञान में जो कच्चापन है, उसको सच्ची ज्ञान की अग्नि में पका करके और उस ज्ञान में जो कलुष है उसको धो करके शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो एक आध्यात्मिक अग्नि है और एक भौतिक अग्नि है, ये दोनों तो आप जानते हैं, लेकिन आधिदैविक अग्नि पर आपका ध्यान कम जाता है। अब आधिदैविक अग्नि की तरफ भी थोड़ी सी दृष्टि आप ना दे रहे हैं। जैसे आंख से हमें ये रुमाल देखनी है, तो आंख अध्यात्म है, और रुमाल में जो है ना श्वेतिमा सफेदी, ये अभिभूत है, लेकिन आप जानते हैं कि यदि सूर्य का प्रकाश बीच में न हो गए, सूर्य का अनुग्रह न हो गए, तो आंख होने पर भी और रुमाल होने पर भी ये जो रुमाल का रंग है ये आपको मालूम नहीं पड़े। रुमाल में रंग डालने वाला सूर्य है, अगर रोशनी न हो, प्रकाश न हो, तो रुमाल में रंग बिल्कुल नहीं आवे। तो सूर्य को, सूर्य मंडल में जो देवता है उसको अभिदय बोलते हैं, नेत्र में जो चैतन्य है उसको अध्यात्म बोलते हैं, और रुमाल में जो है उसको अभिभूत बोलते हैं। अभिभूतोपाधिक चैतन्य रुमाल में है और अध्यात्मोपाधिक चैतन्य नेत्र में है, शरीर में है, और अभिदैवोपाधिक जो चैतन्य है वो सूर्य में है। इसी प्रकार आप जानते हैं हम बोलते हैं, है ना, जिह्वा अध्यात्म है और इसके द्वारा जो शब्द उत्पन्न होकर आपके कान में पड़ता है वो अभिभूत है, आपके कान से अध्यात्म के द्वारा ग्रहण होता है, लेकिन हमारे जीभ और आपके कान के बीच में जो अवकाश है ना, उसमें विद्यमान दिग देवता के अनुग्रह से, दिग देवता के अनुग्रह से वो शब्द आपके कान तक पहुंचता है, और वाणी के मूल में बैठे हुए अग्नि देवता के अनुग्रह से वो शब्द निकलता है। कान का देवता
कान का दिग देवता है और जिह्वा मूल में बैठा हुआ अग्नि देवता है। यदि गर्मी न हो गए, ये जो हम लोग अन्न खाते हैं इसकी गर्मी जो है वो जिह्वा मूल में आकर के एकत्र होते हैं और वो अधिदैव रूप से रह करके शब्दों को बोलने की प्रेरणा देती है। अब आपको यही जो अग्नि है ना, हम सब लोगों के पेट में आग है, जिह्वा मूल में आग है और वो जो थर्मामीटर लगा के नापते हैं ना, थर्मामीटर लगा के गर्मी नापने का जो यंत्र है ना, थर्मामीटर लगा के नापते हैं तो शरीर में सर्वत्र गर्मी प्राप्त है और अमुक हद तक गर्मी न हो तो हमारा जीवन नहीं रहे। तो ये जो व्यक्ति व्यक्ति में अलग अलग अग्नि है इसका एक समष्टि रूप होता है। अब आप देखो ये जो विराट जिसको हम बोलते हैं स्वर्ग सुख का, स्वर्ग सुख का मूल वेदों में कैसे वर्णन किया गया है वो आप ध्यान दो। ये जो विराट विराट जिसको हम बोलते हैं इसमें तीन की प्रधानता है, वायु अग्नि और सूर्य। वायु न हो और अग्नि न हो और सूर्य न हो तो ये विराट सृष्टि नहीं मालूम पड़े। तो जब तक आप पेट की आग में ही हवन करते हैं, जब तक आप पेट की आग बुझाने में ही लगे हुए हैं तब तक आपकी निष्ठा व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत। और जब आप संपूर्ण विश्व सृष्टि में जो गर्मी जो अग्नि काम कर रही है उसके साथ जब आप तादात्म्य करेंगे तो अग्नि की आराधना होगी। इसका अर्थ है असल में विराट के साथ एकत्व। ये वर्णन करने का जो ढंग है वो श्रैत है, वैदिक है। विराट आदित्य के साथ, विराट आदित्य के साथ, विराट वायु के साथ और विराट अग्नि के साथ अपना जो तादात्म्य है वो स्वर्ग सुख का मूल कारण है। आप जरा देह के तादात्म्य से निकल करके विश्व सृष्टि में जो गर्मी है ना, गर्मी वो मेरी गर्मी है और ये जो सूर्य की ज्योति है वो मेरी ज्योति है और ये जो वायु चल रही है ये मेरा प्राण है और अग्नि की गर्मी से पिघला हुआ बना हुआ बर्फ और उसके जमाव से बनी हुई धरती, ये तीनों अग्नि के कार्य हैं। अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, तो पृथ्वी जल में और जल अग्नि है और अग्नि का एक रूप प्रकाशक और एक दाहक, तो प्रकाशक रूप सूर्य और दाहक रूप अग्नि और वायु माने गति। ये संपूर्ण विराट में, संपूर्ण विराट में जो प्रकाश है, जो गति है और जो उष्णता है, जिसके बिना न क्रिया संपन्न हो सकती, न भोजन मिल सकता, न जल के द्वारा आप्यायन हो सकता, न शरीर की प्राप्ति हो सकती, न तो ये धरती हो सकती। ऐसी जो संपूर्ण विश्व समष्टि में विराट के अवयव रूप से विद्यमान, विराट के अंग रूप से विद्यमान जो वायु आदित्य और अग्नि है, इसके साथ यदि तुम तादात्म्य कर लो तो संपूर्ण विश्व जो है ये एक धरती नहीं, ये धरती तो बहुत छोटी, माने अभी तो एक देह में मैं करके जो बैठा हुआ है आदमी उसको ये समझने में बड़ा कठिन आता है। संपूर्ण धरती के साथ, कब धरती दे धरती के साथ जो ब्रह्मांड लगा है उसके साथ, कब ब्रह्मांड नहीं कोटि कोटि ब्रह्मांड जिस विराट के एक एक रोम कूप में रहते हैं उस विराट के साथ यदि तुम्हारा तादात्म्य हो जाए तो संसार में क्या तुमको एक शरीर में होने वाले रोग का डर रहेगा? हैं? क्या वहाँ एक शरीर से होने वाली मृत्यु तुम्हारी मृत्यु रहेगी? क्या एक शरीर में आने वाला बुढ़ापा तुम्हारा बुढ़ापा रहेगा? हैं? क्या एक शरीर की भूख तुम्हारी भूख रहेगी? क्या एक शरीर की प्यास तुम्हारी प्यास रहेगी? क्या एक शरीर के संबंधियों के संयोग वियोग से तुम्हें शोक और मोह होगा? असल में सब तुम स्वर्ग लोक में हो जाओगे और स्वर्ग लोक में हो जाना ये परमानंद की प्राप्ति का, ये परमानंद की प्राप्ति का उपाय है। तो असल में ये जो स्थूल व्यक्ति है,
इसके साथ तादात्म्य छोड़कर स्थूल समष्टि के साथ तादात्म्य प्राप्त करने का जो उपाय है उसी को उपनिषद में ब्राह्मण ग्रंथों में आरण्यकों में ब्रह्म विद्या के नाम से कहते हैं। ये वैश्वानर देखो मांडुक्य उपनिषद में जो विश्व है उसको वैश्वानर कहते हैं। वैश्वानर माने अग्नि। ये जो वैश्वानर है वही नाचिकेत है, वही अग्नि है जो, और वही विश्व है और वही विराट है। तो असल में स्थूल समष्टि के साथ एकत्व प्राप्त होने से जन्म मरण शैशव और बुढ़ापा और अब भूख और प्यास और शोक और मोह, ये जितनी उर्मी जितने द्वंद्व जितने दुख ये तुम्हारे जीवन में प्राप्त हैं, इन सबसे छुटकारा मिल जाता है। इसको स्वर्ग बोलते हैं वो, इसका नाम है स्वर्ग। यन्न दुखे न संभिन्नम न च ग्रस्त मनंतरम अभिलाषोपनीतं च तत्सुखम स्वस्पदास्पदम, इसको बोलते हैं स्वर्ग। इसमें पार्टी बंदी नहीं रहेगी ना, इसमें न राजनीतिक दलबंदी, न इसमें समाज सुधार संबंधी दलबंदी, न इसमें राजनीतिक दलबंदी और न इसमें प्रांतीयता, न राष्ट्रीयता, न इसमें जातीयता, न इसमें कहीं भी व्यक्ति मूलक और जाति मूलक जो राजद द्वेष है उसके लिए कोई स्थान। अब सोचो कि व्यक्ति मूलक और जाति मूलक सारे दुख और शोक जिससे छूट जाते हैं वो स्वर्ग में है कि नहीं, तो वो तो वर्तमान काल में इसी जीवन में स्वर्ग में हो जाएगा। परंतु ये स्थिति सूक्ष्म शरीर की है। सूक्ष्म शरीर की क्या है? क्योंकि भावनात्मक है। भावनात्मक होने से ये स्थिति केवल सूक्ष्म शरीर में है। तो होगा क्या, ये भावना तो पकड़ी हुई रहेगी। जब तक तुम्हारी भावना ये पकड़ी हुई रहेगी तब तक तुम स्वर्ग में रहोगे। जहां इस भावना की पकड़ टूट गई फिर व्यक्ति से तादात्म्य हो गया तब फिर लौट जाए। इसलिए इसके ऊपर एक ऐसी वस्तु है जहां ये सूक्ष्म और स्थूल शरीर में आने जाने का जो कारण है अज्ञान है, उस अज्ञान का ही ध्वंस हो जाता है और उसको ज्ञानाग्नि बोलते हैं। तो ऐसा समझो कि ये स्वर्ग जो है ये भावाग्नि की उपासना से मिलता है और लोक सुख जो है ना, दैहिक सुख जो है वो भौतिक अग्नि की उपासना से मिलता है और स्वर्ग सुख जो है वो भावना अग्नि की उपासना से प्राप्त होता है। और जो परमार्थ सुख है वो ज्ञान अग्नि के द्वारा अज्ञान अंधकार की निवृत्ति हो जाने पर उसके भस्मी भाव से प्राप्त होता है। ये तीन कक्षा इसकी होती हैं। तो ये जो भावना अग्नि है माने विराट वैश्वानर की अपने शरीर में स्थित अग्नि को विराट से एक कर देना, समष्टि अग्नि की उपासना, समष्टि सूर्य की उपासना, समष्टि वायु की उपासना, माने समष्टि का प्राण ही हमारा प्राण है, समष्टि का प्रकाश ही हमारा प्रकाश है और समष्टि का अग्नि ही हमारा अग्नि है और समष्टि में जो नारायण समुद्र है, पृथ्वी है, एक पृथ्वी नहीं लाख लाख करोड़ करोड़ पृथ्वी है ना, ये सब हमारा स्वरूप है। इस भावना में जो दृढ़ स्थिति है ये ही भावनाग्नि की उपासना करके स्वर्ग लोक की प्राप्ति है। तो स्वयमग्नि स्थूल शरीर से है ना, स्थूल शरीर में तादात्म्य न रह करके सूक्ष्म समष्टि में तादात्म्य अपन्न हो जाना, स्थूल समष्टि से तादात्म्य रहे परंतु सूक्ष्म समष्टि की भावना से रहे, ये जो स्थिति प्राप्त कर लेना है इसको बोलते हैं स्वर्गलोक में पहुंच जाना। तो सत्वमग्नि स्वर्गीय मध्ये मृत्यो प्रब्रूहिताम श्रद्धानायम सत्वम हे मृत्यु देवता। ये असल में व्यष्टि अहंकार का जो नाश है
वही समष्टि अहंकार का आविर्भाव है। जब जीव का अहम समाप्त होता है तब ईश्वर का अहम प्रकट होता है। इसलिए ये स्वर्ग लोक जो है इसकी वेदों में बड़ी महिमा का वर्णन आता है, परंतु भावनात्मक होने से इसकी इतने भी नश्वरता लगी हुई है, ये भी विनाशी है। इसलिए वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए जो ज्ञानाग्नि से अज्ञान का दाह होने पर परमार्थ की प्राप्ति होती है, तब उसका प्राप्त होना जरूरी है। इसके लिए तीसरा दर आएगा, तो सत्यमग्नि स्वर्ग मध्वेश मृत्यु मृत्यु देव तुम जानते वही तुम हो नारायण। उस स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले अग्नि देवता को तुम जानते हो, प्रब्रूहिताम श्रद्धानायम अज्ञम, मैं बड़ा श्रद्धालु हूँ, श्रद्धालु हूँ, श्रद्धान हूँ, श्रद्धान तो आप कृपा करके मुझे उसका प्रवचन कीजिए। प्रब्रूही और ब्रूही पद के पहले जब प्र जुड़ गया ना, तो प्रब्रूही माने प्रवचन कीजिए हो जाएगा, क्योंकि वो जो वच है ना, वच का ब्रू हो जाता है, तो वही प्रब्रूही बनता है। प्रवचन प्रवचन कीजिए इसको, तो श्रद्धान आय। बात यह है कि इसका जो इस स्वर्गीय अग्नि का प्रवचन है वो नारायण श्रद्धालु पुरुष के लिए ही है, इसलिए इसमें श्रद्धा की आवश्यकता है। ये श्रत जो है ना, श्रत और दधान अथवा श्रत और धा, श्रद्धा बोलते हैं श्रद्धा, तो ये श्रत क्या है, तो निरुक्त में तो बताया कि श्रदिति सत्य नाम, श्रत जो है वो सत्य का नाम है, जिसको लोक में सत्य कहते हैं उसी को वेद में श्रत कहते हैं, श्रत नारायण। और धा का अर्थ क्या है, तो धारण करना, वही दधान हो गया, धा का दधान हो गया, धारण करने वाला, धारण करने वाले को दधान बोलेंगे, दधत बोलेंगे, दधान बोलेंगे, धत्ते इति, धत्ते इति दधाना, श्रद्ध इति धत्ते इति श्रद्धाना, सत्य करके स्वीकार करना। मध्वाचार्य महाराज ने श्रद्धा शब्द का व्याख्यान किया, श्रद्धि आस्तिकताया अभिधानम, श्रद्ध कहते हैं आस्तिकता को। ये जो हम जीवन संसार में व्यतीत कर रहे हैं, दिन भर में 17 दफे रोना और 17 दफे हंसना, कोई निष्ठा नहीं। दिन भर में एक बार विश्वास कर लें, एक बार अविश्वास कर लें, एक बार दुष्टी जोड़ लें, एक बार दुश्मनी कर लें, एक बार कहें कि ये हमारे बड़े मित्र हैं, फिर एक बार मन में शंका हो जाए कि शायद ये धोखा दे दें, तो मनी राम जो हैं ये बहुत गड़बड़ी मचाते रहते हैं। तो ये बोले कि ये सब आदमी क्या कर रहे हैं, बोले संशय में पड़े हुए हैं। संशय माने होता है सपना देखने वाला, बोला संशय माने सपना, कभी अनुकूल आया कभी प्रतिकूल आया, ये सीन स्वप्ने धातु है, सीन स्वप्ने, अच्छा उसी से सम उपसर्ग जब जुड़ गया ना, तो वही शयनार्थक सी धातु से ही सम उपसर्ग जोड़ के संशय शब्द बनता है, संशय। संशय माने सो रहे हैं, सो रहे हैं तो सपने में है ना, एक ही आदमी कभी दोस्त दिखता है कभी दुश्मन दिखता है, कभी ऐसा लगता है कभी तो हम 50 बरस जिएंगे ये काम करना चाहिए, और कभी आता है कि 10 10 अब मौत आ गई सिर पर। ये मनी राम जो हैं, ये जैसे सपने में बदलते हैं जागृत में भी ऐसे ही बदलते हैं। आप गौर करके देखोगे तो सपने की अवस्था में और जागृत की अवस्था में कुछ ज्यादा फर्क नहीं मालूम पड़ेगा। श्रद्धा का होना है ना आवश्यक है। एक बात यह है कि जहां
इंद्रिय से देखे जाने वाले पदार्थों के बारे में हम विचार करते हैं, वहां तो हमारी इंद्रियां ही बता देती हैं, या इंद्रियां अगर ठीक ठीक न बता पाती हो तो किसी मशीन की सहायता ले लो, दूरबीन लगा लो, खुरदबीन लगा लो, शुभ्र वीक्षा, छोटी छोटी चीजों को भी बताने वाला जो यंत्र है उसको खुरदबीन बोलते हैं, शुभ्र वीक्षा, शुभ्र वस्तु को देखने वाला, छोटी छोटी चीज को भी बता दे। पर ये जितने यंत्र होते हैं वे हमारी इंद्रियों की मदद ही करते हैं, कोई भी यंत्र इंद्रियातीत वस्तु को नहीं दिखाता है, हमारी इंद्रियों की सहायता करते हैं। सब के सब इंद्रियातीत देखने के लिए तो महाराज शुभ रस का काम करते हैं, सब गांठ बंद हो गई और शरीर पड़ा है पनाले में और पहुंच गए, माने शारीरिक स्थिति से अलग हो जाते हैं। सुनते हैं अमेरिका में तो कोई ऐसा उपद्रव मचा है उसका, कोई ऐसी दवाई वहां निकल गई है कि जिसको स्वर्ग का मजा लेना होता है उसके इंजेक्शन लगवा लेते हैं, खा लेते हैं और आंख बंद करके महाराज वो पहुंच गए स्वर्ग में, स्वर्ग का मजा ले, माने कल्पना जो है। ये जो अरबों जीवाणु हमारे सिर में रहते हैं, डॉक्टरों ने उनका पता लगाया, वैज्ञानिकों ने उनका पता लगाया, वो कौन किसका नियंत्रण करता है। एक ऐसा हिस्सा होता है कि यदि उसको विद्युत के द्वारा उत्तेजित कर दिया जाए तो तुरंत गुस्सा आ जाए आदमी को, एक ऐसा है कि उसको उत्तेजित कर दो तो रोने लग जाए, एक ऐसा हिस्सा है कि उसको उत्तेजित कर दो तो तुरंत हंसने लग जाए, है ना। ये असल में सब भौतिक ही है, ये हंसना, ये रोना, ये गुस्सा, ये काम, ये तो हमारी उपनिषदों में तो इनका बड़ा ही स्पष्ट वर्णन आता है। जो हम लोग अन्न खाते हैं उसके तीन हिस्से होते हैं, मोटा हिस्सा होता है वो मल होकर के निकल जाता है, और जो उससे महीन होता है उससे रक्त आदि बनते हैं शरीर में, वीर्य आदि बनते हैं, और जो उससे भी महीन हिस्सा होता है उससे ये मन और बुद्धि के जो केंद्र है ना वो सब के सब बनते हैं। तो ये सब अन्न के द्वारा निर्मित हैं, अन्नमय हैं और अन्न से जलने वाले हैं। इसी से छोटी छोटी बात पर जो लोग कामना के तृष्णा के वशीभूत हो जाते हैं, या क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं, या कामना के वशीभूत हो जाते हैं, तो वो असल में क्षुद्र वस्तुओं में, छोटी छोटी वस्तुओं में ही लगे हुए हैं। तो जो इंद्रियां हमें प्राप्त हैं, ये इंद्रियां भी हमारे शास्त्रीय दृष्टि से समूचे शरीर में सब इंद्रियां रहती हैं, वो इनका गोलक, घ्राण का गोल, घ्राण इंद्रिय का गोलक नाक है, और चक्षु इंद्रिय जो है उस इंद्रिय का गोलक आंख है। ऐसे चक्षु इंद्रिय सारे शरीर में है, घ्राण इंद्रिय सारे शरीर में है, रसना इंद्रिय सारे शरीर में है, त्वचा इंद्रिय सारे शरीर में है। तो इन्हीं इंद्रियों को उत्तेजना देकर के लौकिक विषयों की सूक्ष्मता ग्रहण कराने की योग्यता वैज्ञानिक लोग उत्पन्न कर देते हैं। अब जो इसी में फंसा हुआ है, वो काम में फंसा हुआ, क्रोध में फंसा हुआ, लोभ में फंसा हुआ, मोह में फंसा हुआ है ना, तो आदत पड़ जाती है। देखो एक आदमी ने कुत्ता पाल रखा था, तो रोज 12 बजे दिन में वो उसके लिए हाथ में रोटी ले करके है ना निकलता था और उसके सामने डाल देता। तो कुत्ते को मालूम हो गया, जो देखता दूर से किया वो घर में से निकले, देहात की बात है, हूँ शहर की नहीं है ना, तो शहर में तो कुत्ते काफी रहते हैं अपना, वहां तो दूर रखते हैं। अब जो बाहर निकलते घर के, कुत्ता वो दूर से पूछ चिल्लाता हुआ दौड़ के आ जाता, उसके मुंह से पानी गिरने लगता है ना, लार गिरता कुत्ते के मुंह से। तो अब किसी दिन वो रोटी नहीं लाए है ना, रोटी नहीं लाए, तब भी वो उठ के आया, पूछ चिल्लाता हुआ उसके मुंह से पानी गिरने लगा, बिना रोटी के ही ऐसे हाथ कर दिया। तो जहां रोज रोटी गिरती थी वहां कुत्ता दौड़ के चला गया। उसने उसको यदि आदत पड़ गई है
कि वहाँ हमको रोटी मिलती है, ऐसे हाथ करते हैं तो रोटी मिलती है, ऐसा रोटी मिलती है तो बड़ा स्वाद आता है, हमको भोजन मिलता है, उसको अभ्यास हो गया है। इसी प्रकार हमारी जो इंद्रियां हैं, इनको ये आदत पड़ गई है कि अमुक प्रकार का भोग मिलेगा तो हमको सुख होगा, अमुक प्रकार का दृश्य मिलेगा तो हमको दुख होगा। अब वो महाराज वैसा दृश्य अगर बनावटी भी उसके सामने कर दिया जाए तो क्रोध आ जाता है, वैसा दृश्य बनावटी भी कर दिया जाए तो कामना उत्पन्न हो जाती है, वैसा दृश्य बनावटी भी उत्पन्न कर दिया जाए तो मनुष्य के मन में लोभ आ जाता है। असल में ये बाह्य वस्तुओं का आकर्षण नहीं है, हमारे हृदय की बनावट ही ऐसी हो गई है कि हम किसको देख करके गुस्सा करने लग जाएं और किसको देख करके हम कृष्णा से व्याकुल हो जाएं, ये हमारे दिल की बनावट ही ऐसी हो गई है। तो इसी से हमारे आचार्यों का कहना था कि तुम अपने दिल को बढ़िया बनाओ, अपने दिल को बढ़िया बनाओ। तो अपना दिल बढ़िया बनाने का उपाय क्या है? तो अपने हृदय में एक अलौकिक सुख, एक अलौकिक ज्ञान, एक अलौकिक स्थान, है ना, एक अलौकिक ज्ञान, अलौकिक ज्ञान, अलौकिक स्थान, है, अलौकिक सुख प्राप्त करने की लालसा जागृत करो अपने हृदय में, जिसको ये लोक में मालूम करने वाली जो तृष्णाएं हैं, जो लालसाएं हैं, ये बिल्कुल छूट जाए, बिल्कुल छूट जाए, ये कम से कम छूट न जाए तो काबू में तो आ जाए, इतना तो हो। उसके लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। वो लौकिक वस्तु जो है वो यंत्र के द्वारा मालूम पड़ती है, इंद्रिय के द्वारा मालूम पड़ती है, और अपने अंतर के ज्ञान में जब हम श्रद्धा का रंग चढ़ाते हैं, जब श्रद्धा का रंग चढ़ाते हैं तब दैवी वस्तुओं का ज्ञान होता है। स्थूल शरीर से भोगी जाने वाली जो वासनाएं हैं, उनमें जब हम द्रव्यों के, वस्तुओं के गुण और वस्तुओं के महत्व को जानते हैं, तब वासनाएं हमारे जीवन का संचालन करती हैं। और जब हम अलौकिक ज्ञान अलौकिक सुख अलौकिक स्थान, अलौकिक वस्तु की प्राप्ति के लिए अपने हृदय में जब श्रद्धा भरते हैं, तब उस श्रद्धा से फल ये निकलता है कि जो लौकिक वस्तुओं की ओर रुझान है वो कम होती है और अलौकिक वस्तुओं की ओर रुझान उत्पन्न होती है। तो ये बीच वाली जो स्थिति है, देखो है क्या कि लोक जो है वो तो इंद्रिय प्रत्यक्ष है और अध्यात्म जो है वो तत्वानुभव है। ये अपना जो ब्रह्मपना है, अपने आत्मा का दृष्टापना है, साक्षीपना है, असंगपना है, ये क्या है? तो ये तो स्वानुभूति है ना, ये तो अध्यात्म में स्वानुभूति है। हाँ। और भौतिकता में इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष उपलब्धि है। तो इंद्रिय और यंत्रों के संयोग से लोक की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है और आत्मा परमात्मा ब्रह्म इनका साक्षात अपरोक्ष अनुभव होता है। अब ये बीच में अधिदैव क्या है? क्या बीच में जो अधिदैव है ये हमारी लौकिक और स्थूल वासनाओं को शुद्ध करने के लिए, इन वासनाओं को नियंत्रित करने के लिए, इनको मोड़ने के लिए, पहले जब आप इनकी आवश्यकता समझ लेंगे कि इन वासनाओं को मोड़ने की जरूरत है, तब आप ये बात समझेंगे कि हमारे अध्यात्म ज्ञान के साथ ये श्रद्धा रूप महौषधि का जो मिश्रण है ये अधिदैव का साक्षात्कार कराता है। अधिदैव के साक्षात्कार में ये शुद्ध अध्यात्म नहीं है ना, ये शुद्ध अध्यात्म नहीं है। शुद्ध अध्यात्म तो ब्रह्मानुभूति है और ये शुद्ध भौतिक भी नहीं है। ये शुद्ध भौतिक नहीं है क्योंकि ये यंत्र गम्य नहीं है और ये इंद्रिय गम्य नहीं है। तो ये शुद्ध भौतिक भी नहीं है और ये शुद्ध अध्यात्म भी नहीं है। तब ये क्या है? कि ये श्रद्धा संबलित जो अध्यात्म है, भौतिक की ओर से मन को मोड़ करके और श्रद्धा के संस्कार से युक्त
जो अंतकरण है उस अंतकरण के द्वारा इसकी अनुभूति होती है, इसलिए इसका अधिकारी श्रद्धालु पुरुष होता है। श्रद्धानाय मह्यम, ये आप श्रद्धा करो। यदि आपकी समझ में ये बात नहीं आती कि आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड ब्रह्म हो, अगर ये बात आपकी समझ में नहीं आती और आप अपने को देह मान करके बिल्कुल भोग परायण हो रहे हो, दूसरे को भूखे रख के भी खुद खाना चाहते हो, दूसरे को नंगा रख के भी स्वयं पहनना चाहते हो, अगर आपको ऐसा न मालूम होता हो नारायण है ना, तो आप अपने को समझदार मत समझना। आप दूसरे को भूखे रख के स्वयं तरह तरह के भोग करना चाहते हो, आप दूसरों को नंगा रख के स्वयं तरह तरह के कपड़े पहनना चाहते हो, आप दूसरे के पास एक नया पैसा न हो और अपने पास करोड़ों की संपत्ति रखना चाहते हो, ये जो आपके जीवन में दोष आया है ये क्यों आया है? ये इसी व्यक्ति शरीर में अहंता और ममता हो जाने के कारण आया है। और इस दोष के निवारण के लिए यदि शुद्ध समझ हो गए तब तो नचिकेता जैसे तीसरा प्रश्न करेगा वो तीसरा प्रश्न करो नारायण। और यदि वो शुद्ध समझ में ये बात न आवे तो ये जो दूसरा प्रश्न है इस दूसरे प्रश्न के अभिप्राय को समझने की कोशिश करो। ये जो है ये मध्यम कक्षा, मध्यम कक्षा माने पहली लौकिक कक्षा और तीसरी आध्यात्मिक कक्षा, और ये जो दूसरी है ये आधिदैविक कक्षा है, और इसमें श्रद्धा से युक्त जो ज्ञान है उस ज्ञान के द्वारा अपने को संपूर्ण विश्व से तादात्म्यपन्न करना पड़ता है। जितना भी वायु सूर्य और अग्नि का विलास है, वो सूर्य की आंख से मैं देखता हूँ और वायु के द्वारा मैं श्वास लेता हूँ बोला, और संपूर्ण विश्व सृष्टि में जो ऊष्मा है जो गर्मी है वो मेरी है, संपूर्ण विश्व विश्व ब्रह्मांड की अनंत कोटि ब्रह्मांड वाला जो विश्व है विराट विश्व है वैश्वानर है का वो उष्मा, संपूर्ण विश्व विराट की उष्मा मेरी उष्मा, उसकी सांस मेरी सांस और उसका प्रकाश मेरा प्रकाश, ये जो विश्व के साथ भावना के द्वारा अपना तादात्म्य करना है, ये देहाभिमान को ये क्षुद्र देहाभिमान को मिटाने वाला है और ब्रह्म ज्ञान को बिल्कुल पास ले जाने वाला है, तो इसलिए इसमें श्रद्धा की बड़ी आवश्यकता है। इसमें जब श्रद्धा करोगे तो अंततो गत्वा तुम्हें अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड अद्वितीय अपूर्व अनपर अद्वितीय स्वरूप ब्रह्म का भी ज्ञान होगा, तो स्वर्ग लोका अमृतत्वम भजन्ते। जो इस स्वर्गलोक में पहुंच जाते हैं महाराज, इस स्वर्गलोक में पहुंचना माने क्या, तो अपने को संपूर्ण लिंग के साथ तादात्म्य प्रसन्न कर देना, उससे क्या होगा तो अमृतत्वम भजन्ते, अमृतत्व को तुम प्राप्त हो जाओगे, ऐसा स्वाद मिलेगा। ये जो दिन मन मन जो है ना ये कड़वा होता रहता है, जहर पीना पड़ता है कि नहीं, तो कई लोग तो व्यवहार में ऐसे बोलते हैं क्या करें, उनकी बात सुन के तो हम जहर का घूंट पी के रह गए, ऐसे बोलते हैं कि नहीं, तो ये जो व्यवहार में तुम्हें दिन भर में कई बार जहर का घूंट पीना पड़ता है, तो ये ऐसा ख्याल है ना कि सामने वाले ने दुख दिया, सामने वाले ने दुख नहीं दिया, ये तुम्हारे दिल की बनावट ने दुख दिया, तुमने अपने दिल को ऐसा बना लिया कि उसके द्वारा किया हुआ काम तुमको दुख पहुंचा सके, ऐसा अपना दिल क्यों बनाया तुमने बोलो, अरे भाई सब लोग ऐसा दिल बनाते हैं तो हमने भी बनाया, सारी दुनिया तो ऐसे ही बनाती है, तो इसको हमारे गांव में बोलते हैं भेड़िया दशान, है ना, भेड़िया दशान क्या होती है ना, तो एक भेड़ के पीछे है ना जैसे सैकड़ों भेड़ आंख बंद करके चलती है, वो ये नहीं देखती है कि अगली भेड़ कुएं में गिर जाएगी तो हम भी गिर जाएंगे, बिना सोचे बिना विचारे है ना अपने दिल की बनावट ऐसी थी, इनसे हमको इतना रुपया मिल जाएगा तुमने आशा की है ना, ये आशा करके तुमने अपना दिल बिगाड़ा, उस आदमी को बिगाड़ा है ना, अरे वो तो पहले से सावधान था कि वो तुमको इतना रुपया नहीं देगा, उससे तुमने उम्मीद की कि ये हमको इतना प्यार देगा, नारायण है ना,
अब प्यार देगा ये बात तुम्हारे दिल में आई कि उसके दिल में आई? कहिए इतने दिन तक हमारे साथ जिंदा रहेगा, तुमने कल्पना की, और वो तो जल्दी मर गया है ना। तुम मरने वाले का दोष है कि जो तुमने 100 बरस उसके साथ रखने की कल्पना की थी, ये तुम्हारा दोष है। कब वो हमारे साथ इतने दिन रहेगा, वो हमको ये देगा, वो हमको इतना प्यार करेगा, ये सारी तो तुम्हारे दिल की बनावट है ना। तो अपने दिल को तो तुमने उसकी बनावट से बिगाड़ ली और उम्मीद करते हो दूसरे से, ये पराधीन जीवन है। और ये जो वैश्वानर के साथ गुलाब के साथ एकत्व को प्राप्त होना है, ये स्वर्ग को प्राप्त हो रहा है। तुम अपने सूक्ष्म शरीर का ठीक निर्माण करो, अपने दिल को ठीक बनाओ, तब देखो स्वर्ग बन जाता है कि नहीं। तो तुम्हारे दिल में स्वर्ग यदि बना रहे हैं, तो बाहर की आग तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी? तो एक द्वितीय न स्वर्ग लोका अमृतत्व भजन्ते। ये स्वर्ग, स्वर्ग में गए हुए जो लोग हैं ना, ये अमृतत्व को प्राप्त होते हैं। एक द्वितीय न गृणे वरेण, ये मैं दूसरे दर के द्वारा वरण करता हूँ। जमराज ने कहा, प्रोते ब्रवीमि तदुमे निबोध स्वर्ग मग्नि नचिकेत प्रजानन अनंत लोकाप्तिम अथो प्रतिष्ठाम विद्धित्वमेतम क्वा सन्निहितं गुहायाम। ये स्वर्ग तुम्हारे हृदय की गुहा में, हृदय के गुहा में रहता है। और आओ हम तुमको बताएं, प्रते ब्रवीमि तदुमे निबोध है, मैं तुम्हें प्रवचन करके, प्रब्रवीमि एतेभ्यम, मैं तुम्हारे लिए ये प्रवचन करता हूँ, जो आओ तुम मुझसे समझो। हे नचिकेता, हे नचिकेता, मैं जानकार हूँ, इसलिए तुमको सदा सुख देने वाली जो भालाग्नि है, उसका तुमको उपदेश करता हूँ। क्यों? इसकी अनंत लोक की प्राप्ति होती है और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ये स्वर्गीय अग्नि और कहीं नहीं है, तो कहाँ है? समेतम निहितम गुहायाम, ये तो तुम्हारे हृदय के गुहा में भरी हुई है। अब इस प्रसंग को तो कल सुनाना है।